तो ये चीज़ें ना नोट कर लो, घर जाके आपने ये सारी इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें आपकी प्रोफाइल में ना एक ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट न्यू गिग, स्टार्ट सेलिंग में जाएं या सेलिंग वाली ऑप्शन में जाएं ना, उधर क्रिएट न्यू गिग की ऑप्शन आ रही होगी। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने गिग बनानी है वो PHP टू HTML, HTML सिंपल तो सबको आती है ना। हाँ तो ये बेहतर तरीका रहेगा एक ना, PHP टू HTML कन्वर्जन का। अगर PHP के बारे में नहीं पता है वो सर को अली साहब से कहिएगा, वो आपको बता देंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देंगे PHP टू HTML। और अगर आप खुद से भी सर्च करेंगे ना, ऑलरेडी कुछ जो टूल्स पड़े हैं, बने बनाए पड़े हैं, उसमें क्या करते हैं आप एक साइड पे सिलेक्ट करते हैं PHP को, दूसरी साइड पे वो हमें उस PHP का कोड जनरेट करके हमें दे देता है, एज इट इज़ काम हमें मिल जाता है, मेहनत कोई करनी नहीं पड़ती। और ये एक पेज का तकरीबन रेट होता है $10 से $15 दे देते हैं स्टार्ट में, बाद में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो $130 लेते हैं एक पेज के लिए। तो इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं है, ये सबसे पहले हम इस चीज़ की गिग बनाएंगे PHP टू HTML। जब आप जाएंगे ना क्रिएट न्यू गिग पे, आई विल ऑलरेडी उधर ना ब्लर होगा लेकिन नज़र आ रहा होगा आई विल, आपने ये चीज़ नहीं लिखनी आई विल, आपने आई विल के बाद वाला टेक्स्ट लिखना है कन्वर्ट PHP टू HTML। जब आप पब्लिश करेंगे ना अपनी गिग को, उस वक्त वो खुद पर लिखा आ जाएगा आई विल, उनकी तरफ से डिफॉल्ट। हाँ वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, वो आपने नहीं टाइप करना है। उसके बाद आ जाता है इसने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट की हुई है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है इसकी कैटेगरी, जिसमें प्रोग्रामिंग एंड टेक आ रहा है, वेब प्रोग्रामिंग आ रहा है उसकी सब कैटेगरी, और उसकी सब कैटेगरी आगे कन्वर्ट PHP आ रहा है, ये चीज़ अपने आपने ना ध्यान से सिलेक्ट करके लेके आनी। और दूसरे तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, कोई ना इसकी या तो वीडियो की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले आपने क्या करना है इसकी या तो खुद से डिज़ाइन करें, तीन इमेजेस, एक ही दो या तीन जितनी भी आपका दिल करे वो कर लें, सही है, या आप गूगल हैं नहीं नहीं वैसे डिज़ाइन फोटोशॉप में, ये मैं आपको उसका वे भी बता देता हूँ, आपने अगर गूगल से उठानी कैसे, हाँ कन्वर्ट PHP टू HTML ऐसे ही लिखते कन्वर्ट कॉपीराइट पर, नहीं नहीं इसका इशू नहीं आता है टाइटल का, कैटेगरी बस सब कैटेगरी और सर्विस कैटेगरी में ना, हाँ वो चीज़। और ये जो कैटेगरी है ना, ये एक दफ़ा आप सिलेक्ट कर लेंगे ना, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने गलत सिलेक्ट कर ली है एक दफ़ा, अपनी किक को पब्लिश कर दिया, उसके बाद इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये जो मेन कैटेगरी है प्रोग्राम, हाँ नेक्स्ट वाली को हम चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज वाली ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं। अगर हमने गलत की फिर दोबारा हमें न्यू एक किक बनानी पड़ेगी, पहली को डिलीट करके फिर इसे न्यू बनाना पड़ेगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और घर जाके आप ये भी कर सकते हैं कि फाइवर पे जाएं, ऊपर सर्च बार आ रहा होगा, सर्च बार में आपने लिखने PHP टू HTML, लोग बहुत ज़्यादा प्रोफाइलें शो होना शुरू हो जाएंगी, जो जो लोग ये सेलिंग कर रहे हैं PHP टू HTML कन्वर्जन करके दे रहे हैं, उनमें से आपने बंदा कौन सा सिलेक्ट करना है जिसकी रेटिंग 5 हो, 4.9 भी चलेगी 5 हो, मेन चीज़ आपने देखनी है कि उसने ऑर्डर कितने कम्प्लीट किए हुए हैं, वो उस चीज़ का तो आइडिया है ना, वो किधर से नज़र आएगा कितने ऑर्डर कम्प्लीट किए हुए हैं, इस बंदे ने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, नहीं समझ आई, चलो शुक्र C98 की है, मैंने इसकी एज ए सैंपल ओपन की है कि सही है, पहले नंबर पे उसका आ गया टाइटल सेलेक्ट कर लिया, बाद में आपने कैटेगरी की तरफ आ जाना है, वो तीनों सही से सिलेक्ट करनी है। ये वीडियो देख के ना चाहे इसी से देख के बना लें, उसका इशू नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपने इमेजेस कैसे लेनी है, इमेजेस सेलेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अगर तो आपको आता है फोटोशॉप या थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है वो एक बेस्ट वे है, वरना क्या करें, ये नज़र आ रही है तो पिक्स कौन सी आपको इनमें से प्यारी लगे उसको क्या करना है ओपन कर लेना है, फॉर एग्जांपल यही है,
इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इधर से हमने ओपन करना है स्निपिंग टूल लेने, वो वहां से काट दे इसको, हमने इधर से डाउनलोड नहीं करना है, स्निपिंग टूल को ओपन करना है, स्निपिंग टूल के जरिए इसको ना इसको सिलेक्ट कंट्रोल एस किया और इसका नेम क्या रखना है, जो सी हम गिग बना रहे हैं ना इस पिक को हमने उसी नेम से सेव करना है, ये हम सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लिया। बाद में क्या करना है, इसके लिए इधर जिधर भी आपको सही मुनासिब लगे उधर ना कॉर्नर पे या किसी जगह पे अपनी प्रोफाइल का नेम लिख लें। उसकी ये रीजन है कि एज इट इज इमेजेस बहुत ज्यादा लोगों ने लगाई होंगी, अगर आपका नेम नीचे मेंशन है कॉपीराइट के इशू में नहीं आएगा। आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये इमेज उठाई लेकिन मैंने इसमें एडिटिंग की, आई समझ। उसके जिधर जगह मुनासिब लगे ना इधर या फाइबर का लोगो उठा के इधर लगा लें या पेंट में इसे ओपन करके इधर अपना नेम लिख लें, कोई चीज़ कोई छोटा टेक्स्ट लिख लें, सिर्फ फाइबर लिख लें, हाँ थोड़ा बहुत कोई माइनर सी चेंजिंग कर लें। ये तीन इमेज आपने उठानी है और उनके बाद इसको पेस्ट कर देना है। जो जो वीडियो इस बंदे ने लगाई है ना, ये देखें आप, इस बंदे ने इमेजेस भी लगाई हैं, इसने वीडियो भी बना के लगाई है। अगर हम वीडियो लगाते हैं ना 220% ज़्यादा ट्रैफिक होती है हमारी प्रोफाइल के ऊपर ये एक वीडियो बनाने से। ये देख लें उसने किस तरह की वीडियो बनाई, सारी चीज़ें उसने ना क्लाइंट को कैप्चर करने के लिए ऐड की हुई हैं कि उसे अगर वो चीज़ ये मेरा पैकेज खरीदता है उसे क्या बेनिफिट होगा। और इसका साइज जो है वो 75 MB से कम होना चाहिए एक वीडियो का, लेकिन इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे जब हमारे साथ गिग्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, उस वक्त हम इमेज ये वीडियो की तरफ जाएंगे। मैं आपको टूल्स भी बता दूंगा जिसमें आप इजीली वीडियो बना सकते हैं। इमेज की पता लग गया ना इमेज कैसे बनानी है और अगर उठानी है तो उसको कैसे उठाना है। सबसे बेस्ट यही होगा कि आप अपनी इमेज डिज़ाइन करें, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो वो उस तरह उसमें माइनर सी चेंजिंग कर लें, कोई ऑलरेडी बनी हुई उठा के। सर्च टैग्स उसका भी बताता हूँ, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगी। नीचे क्या है, गिग के मुतालिक आपने अपनी डिस्क्रिप्शन एक लिखनी है। मैंने बताया था ना दो तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, एक होती है आपके बारे में जो प्रोफाइल के ऊपर नज़र आ रही होती है, एक होती है जो हमने गिग बनानी है ना उसके बारे में भी हमने डिटेल में बताना है क्लाइंट को कि इसने वही चीज़ें लिखी होंगी जो इसने वीडियो में दिखाई है, कि मेरे से आप क्या हासिल करेंगे, अगर मेरे से काम करवाते हैं आपको क्या बेनिफिट है और क्या चीज़ मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, वो उसने डिस्क्रिप्शन सारी लिख दी है। इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके उसमें चेंजिंग करके अपनी प्रोफाइल के ऊपर रख सकते हैं। अगर चेंजिंग करेंगे तो फिर कॉपीराइट इशू नहीं बनेगा, अगर एज इट इज़ इसको कॉपी करके आप रख देंगे उधर फिर आपका कॉपीराइट का इशू बनेगा। 10% हो जाए चलता है, माइनर चेंजिंग हो जाए चलता है, ये लाइन रिमूव कर दो, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दो, या ये बुलेट्स लगे हुए हैं इनको नंबरिंग फॉर्म में ले आओ, इस तरह की चेंजिंग। लेकिन आपने एक दफ़ा रीड करना है, आप अभी न्यू हैं,
सही है, आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, क्या आएगा 450 प्लस क्लाइंट्स, 5 स्टार फीडबैक, आपके पास एक भी स्टार नहीं है, वो क्लाइंट पढ़ेगा वो कहेगा ये झूठ बोल रहा है, इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है किसी का। नहीं नहीं ये तो आ सकता है ना कि प्रोजेक्ट आएगा हम क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करेंगे अपने काम से। हाँ ये लेवल टू भी नहीं आएगा, आपने एक दफ़ा ना इसे रीड कर लेना अच्छे तरीके से, रीड करने के बाद आप ये डिस्क्रिप्शन लिखें अपनी, और ये चीज़ आपने लाजमी ऐड करनी है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक दफ़ा मुझे इनबॉक्स करें, क्योंकि कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें उस चीज़ का पता नहीं होता है जो क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करके जा चुका होता है, इस चीज़ का बाद में हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपने रीड किया, ये हमारी गलती नहीं है आपकी गलती, हम क्लाइंट को ये चीज़ कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा जी, इसने पैकेजेस नहीं बनाए हुए, ये पैकेजेस हैं इसके, नजर आ रहे हैं सबको, बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है, ये भी बहुत ज़्यादा है इसकी ना गीकी एक एक चीज़ मैटर करती है जो हमने बोल, ये आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं बनेगा, मेन इशू बनाते हैं वो इमेज का या उसकी डिस्क्रिप्शन का, वो चीज़ें आपने चेंज कर लेनी है, ये चीज़ें एज इट इज कॉपी करें उसका इशू नहीं बनेगा। इसमें क्या चीज़ आ रही है, बेसिक पैकेज वो $20 में कह रहा है, $20 में क्या देगा, 3 HTML बग फिक्सिंग, ये PSD to HTML कर रहे हैं लेकिन वो साथ में बग फिक्स भी कर रहा है, इसका मतलब अगर कोई HTML के पेज में कोई आपको एरर आ रहा है या वो आपका फुटर या हेडर किसी में कोई इशू आ रहा है किसी किस्म का भी, वो आपको सॉल्व कर देगा, ये बग फिक्सिंग है। ये हम दूसरी गीक बनाएंगे, ये वाली हम सिर्फ PSD to HTML की रखेंगे, वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है इसलिए उसने दोनों चीज़ें दरमियान में कर दी, इसलिए उसने अपना बजट भी बढ़ा दिया, 2 दिन में डिलीवरी करेगा, 1 रिवीजन दे रहा है और एक ही पेज डिज़ाइन करके दे रहा है, वो कह रहा है कि एक ही पेज में डिज़ाइन करके दूंगा और साथ में अगर आपको कोई इशू आता है कोई बग वगैरह आता है पेज के अंदर तो वो आप मेरे से चेंज करवा सकते हैं वो चीज़ भी। एक पेज के लिए वो कितना $20 चार्ज कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम जाते हैं $100 है इसके लिए, एक पेज है लेकिन ये उसने नाल उसके साथ साथ ये चीज़ें भी दे दी, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, जो $20 वाला है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, वो एक सिर्फ डायनामिक पेज होगा जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, सही है। $100 में वो क्या कह रहा है, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी होगी, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में सर्वर पे अपलोड भी करके दूंगा, स्लाइडर स्क्रोलर दोनों चीज़ें होंगी, पेजेस के ऊपर स्लाइडर वगैरह लगे होते हैं ना, ये चीज़ें भी होंगी, ये उसने एक्स्ट्रा ऐड की हैं, उसने बजट इंक्रीज़ किया साथ साथ ये चीज़ें भी ऐड कर दी, और ये सारी ऑप्शन वगैरह ना जब आप गिग बनाएंगे ना, जब पैकेजेस में जाएंगे, तीन तरह के पैकेजेस होंगे, बेसिक प्रीमियम और स्टैंडर्ड, उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिनमें से आपने टिक मार करके उनको सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करना है, सही है। उसके प्रीमियम में वो 350 पे चला गया, इधर क्या कह रहा है, एक ही पेज दे रहा है लेकिन ये चीज़ें उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, इसमें अनलिमिटेड रिविजन कर दी कि ज़िंदगी में कभी भी तुम आ सकते हो वो डिज़ाइन चेंज करवाने के लिए, नहीं वो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन के लिए आएगा उसके लिए उससे पे नहीं करने पड़ेंगे। बेसिक पैकेज में अगर वो उसने क्या कहा, 1 रिवीजन दूंगा कि जब मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया क्लाइंट सिर्फ एक दफ़ा आ सकता है हमारे पास अपना काम चेंज करवाने के लिए, अगर उसको सेकंड टाइम आना पड़ेगा तो वो उसको पे करना पड़ेगा। ये हमारी डील होगी कितने में आ जाता है ये देखो सर, वो अगर ऐसे कि आप पेज ही ने बना कर देखे अनलिमिटेड रिवीजन ऊपर लिखा है वो 2 दिन बाद फिर आ जाता है पूरा ही चेंज करके कहता है ये करके पूरे वो हम कस्टमर सपोर्ट में जा सकते हैं, ये छोटे मोटे चेंजेस करा सकते हैं, माइनर चेंजिंग करवाते हैं, इस तरह कोई नहीं करता है कि एक दिन एक डिजाइन कर लिया कल को आ गया जी ये नहीं चाहिए मुझे ये चाहिए, ये काम नहीं चलता है इधर
कस्टमर सपोर्ट को आप कह सकते हैं कि इस बंदे ने ये मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, मैंने ये काम उसको करके दिया, अब ये कह रहे चेंज कर दो। वो क्या करते हैं, आपको खुद से फीडबैक भी दे देते हैं, आपका बजट भी आ जाता है, आपका ऑर्डर भी क्लियर हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं अगले बंदे क्लाइंट को अगर कोई तंग करे इस तरह की सिचुएशन। ये हैं उसके एक्स्ट्राज, जैसे एक रिवीजन उसने उधर दी है ना, एक दफ़ा फ्रीली चेंज करवा सकता है क्लाइंट, अगर दूसरी दफ़ा आएगा उसको पे करना पड़ेगा। इसने $5 इसने एक्स्ट्रा के ऑप्शन दिए, इसने किया है कि डिलीवरी एक दिन में करेगा, रिवीजन के इसने नहीं किए। उसको उसने इस पे रिवीजन पे एक्स्ट्रा नहीं लगाया, ये चीज है। ऊपर उसने अपनी गिग में क्या चीज मेंशन की है, 3 दिन में डिलीवरी करेगा, सही है। अगर क्लाइंट को एक दिन में चाहिए काम एक्स्ट्रा फास्ट, वन डे डिलीवरी करेंगे, $20 और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे क्लाइंट को, फिर 3 दिन की बजाय हमें एक दिन में काम करके देना पड़ेगा। इसी तरह रिवीजन की भी इधर आ रही होती है, इसने रिवीजन को वैसे डिसेबल किया हुआ है। रिवीजन में क्या होता है, एक उसने रिवीजन दिया, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा उसने रिवीजन करवाने आना है क्लाइंट ने, तो उसको $5 या $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर रिवीजन के लिए। और लास्ट पे आ जाता है हमने गिग्स के टैग कौन से लगाने हैं, लास्ट पे आएंगे ना जब रिव्यूज क्लाइंट के नज़र आएंगे किसी भी क्लाइंट के, हमें नीचे ये टैग्स लगे हुए हैं सारे HTML के रिलेटेड, जो हमने अपनी जो आप भी पूछ रहे थे टैग्स, पहले वो टाइटल मांगते हैं फिर बाद में टैग्स मांगते हैं, हाँ इनका उधर प्रोसीजर हो रहा है। मैं आपको एक स्टार्ट से एंड तक बता रहा हूँ, उधर जो गिग बनाने का तरीका का आ रहा है ना वो हो रहा है। उसमें क्या होता है, पहले टाइटल सेलेक्ट करो, फिर ये टैग्स लगाओ, फिर बाद में जाके डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट सेक्शन आएगा। इसमें अगर कोई बंदा आपको ऑर्डर देता है PHP to HTML डिज़ाइन करने का, उसके उसमें रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, हाँ ये चीज़ हमने रिक्वायरमेंट सेक्शन में लिखनी है कि हमें PHP प्रोवाइड करो जो आप डिज़ाइन करवाना चाहते हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमने क्लाइंट से लेनी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने करना क्या है। वो PHP उस रिक्वायरमेंट सेक्शन में ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ऑर्डर प्लेस करने से पहले ना वो सिलेक्ट करेगा, उधर PHP होगी तो ऑर्डर प्लेस होगा। आई समझ या नहीं, ये टैग्स लगाने हैं एज इट इज आपने लगा लेने, टैग वाले सेक्शन में जाएंगे ना इस तरह HTML5 लिख के इंटर कर देंगे, एक टैग लग जाएगा, CSS3 कर देंगे दूसरा, और 5 टैग्स एक एट अ टाइम हम लगा सकते हैं एक गिग के ऊपर। किसी का है कोई क्वेश्चन, नहीं इनका भी नहीं होता, वो सिर्फ जो वो 2 मेन चीजों का होता है, डिस्क्रिप्शन का और साथ में पिक्चर का होता है। तो कल को ये आपने ना एक PHP to HTML वाली गिग बना के लेके आनी है, पहले आके उनको वैल्यूएट करेंगे 10 मिनट में जितनी हो सकें जितने लोगों की, बाकी नोट कर लेंगे जो गलतियाँ होगी वो मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट गिग जो बनानी है उसके बारे में बता दूंगा कि ये गिग बनाएं। जब वो बना लेंगे फिर इसी तरह 30 दिन 7 कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगा कि आप ट्रैफिक कैसे लेके आनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अपना नेम लिख लेना बस, हाँ फाइवर लिख देना, फाइवर का लोगो उठा के उधर रख देना, कोई भी माइनर सी चेंज होनी चाहिए गूगल के पिक में और जो आपने डिजाइन करनी है उसमें।
और तीन इमेजेस आपने सेलेक्ट करनी है, उनका 550 विड्थ होनी चाहिए और 370 उनकी हाइट होनी चाहिए। सर ये बेसिक का फॉर्मूला सर, इधर ले जाओ, इस पे ये लगता है ना,